हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, दिस इज डेट 12th of June 2020। अब मैथ्स का तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास टेंथ मैथ्स का चैप्टर नंबर 3। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लें, भास्कर क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर के अपना अपना चेक कर लोगे। क्लास टेंथ का मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर, दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल हो गया है, तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। केमिस्ट्री का जो लास्ट लेक्चर चला उसमें कमेंट सेक्शन में बोला गया था कि कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए, तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर और मैथ्स के 3 चैप्टर में बहुत सारा कमेंट्स आया। तो मन तो मेरा बायोलॉजी का ही चैप्टर पर था, बट टीचर अभी आपके आ जाएंगे 2-3 दिन में, तो हम लोग पहले जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि पहले मैथ्स का ही जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को खत्म कर लें, इसके बाद हम लोग बायोलॉजी का 1 चैप्टर कर लेंगे। तो फटाफट चैप्टर जो है हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। 8th में भी पढ़ना था, 9th में भी पढ़ना था, उसी को इलोंगेटेड फॉर्म में 10th क्लास में पढ़ना है। एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, लिखते रहो एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ AX + BY = C इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल पे पावर वन। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पे पावर वन और वेरिएबल का संख्या 2 हो, वेरिएबल पे पावर वन बट वेरिएबल का संख्या दो हो, वैसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट थोड़ा सा मेक श्योर करना कि जो x और y का वेरिएबल के बगल का जो कोफिशिएंट्स है वो रियल नंबर होना चाहिए, यहां तक कि AX + BY = C भी जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी टर्म्ड एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और a और b रियल नंबर में भी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर a और b को जीरो कर दोगे तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो उसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा, है ना। तो एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ AX + BY = C इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए, ए की वैल्यू जीरो नहीं, बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल का संख्या 2 हो और वेरिएबल का पावर 1 हो और इक्वेशन हो, इसी को कहते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल 3x + 5y = 7, 6x - 8y = 12, यहां तक कि 2x + √5y = 0, ये सब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये c का वैल्यू 0 हो सकता है, a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a b c दोनों रियल नंबर होने चाहिए, वेरिएबल का संख्या 2 होना चाहिए और वेरिएबल का पावर जो है वो 1 होना चाहिए, वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए। a b c का वैल्यू रियल नंबर होना चाहिए, c की वैल्यू 0 चल सकता है, a और b का वैल्यू 0 नहीं चल सकता है, इसी को कहते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जल्दी से नोट कर लो। तो बच्चों चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर में टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा है बच्चों, जितना वेरिएबल हो उसको सॉल्व करने के लिए कम से कम उतने इक्वेशन का जरूरत होता है। मतलब अगर वेरिएबल दो हो और इक्वेशन केवल एक हो तो आप इसको यूनिक सॉल्यूशन, इसका आंसर नहीं निकाल सकते। नहीं, ऐसे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5 भी इसका आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 भी इसका आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3 भी इसका आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 भी इसका आंसर हो जाएगा, और ऐसे इस क्वेश्चन का इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। अगर वेरिएबल का संख्या 2 है और अगर आप x और y का दोनों वेरिएबल का यूनिक आंसर निकालना चाहते हैं तो आपके पास एक इक्वेशन नहीं, 2 इक्वेशन होना चाहिए, है ना। तो इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन नहीं, 2 इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। अगर 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमारे पास है तो हम लोग उन दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए दोनों वेरिएबल का वैल्यू जो है वो पता लगा सकते हैं। उसके लिए 4 मेथड आपको क्लास 10th में पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। सबसे पहला जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है या फिर आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो ग्राफिकल मेथड है, बट हम लोग ट्राई करते हैं ग्राफिकल मेथड को लास्ट में करने का, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से अपना सिलेबस स्टार्ट कर लेंगे। चैप्टर को समझ लो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन है, 2 इक्वेशन होगा, 2 इक्वेशन अगर दिया हुआ हो और दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो
तो उसके लिए आपको कुछ मेथड, कुछ टेक्निक का जरूरत पड़ेगा, तो उसी में चार मेथड आपको पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, नोट करके रखो। तो देखो बच्चों, पहला जो मेथड है उस मेथड को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें देख ही रहे होगे कि दो वेरिएबल है, 2x + y = 7, ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो एक इक्वेशन हो गया। वैसे 4x - 3y + 1 = 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, है कि नहीं? तो अब दो इक्वेशन भी है, दो वेरिएबल भी है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दो अलग अलग इक्वेशन है, और x और y का वैल्यू निकालना है स्पेसिफिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन वन से, फ्रॉम इक्वेशन वन से, इसमें हम लोग y के जगह पर क्या लिख सकते हैं, y के जगह पर हम लोग 7 - 2x लिख सकते हैं, और उसको इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट तो अंग्रेजी का वर्ड है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन पर हम लोग इक्वेशन टू में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वाला इक्वेशन। देखो 4x था, माइनस का 3 था, y के जगह पर हम लोग 7 - 2x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, +1 = 0, ठीक है? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया, वन वेरिएबल तो सबको मालूम है कैसे सॉल्व करना। दिस इज 4x - 21 + 6x + 1, 10x - 20 = 0, 10x 20, x = 2, और x की वैल्यू 2 आने के बाद यही जो पुट किया था क्वेश्चन ए मान लेते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ए बिकम्स, बोलो y = 7 - 2 x के जगह पर 2, y = 7 - 4, y की वैल्यू जो है वो हो गई 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, यही है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। x और y की वैल्यू निकालनी है, और जिस मेथड का इस्तेमाल किया है इस मेथड को ही हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, लिख करके रख लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, x और y की वैल्यू निकालनी, ठीक है? लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन से ही बनाने का ट्राई करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, इसी इक्वेशन को अगर ध्यान से देखते हैं तो 3x / 2 बराबर हो जाएगा 5y / 3, 3x / 2 बराबर 5y / 3 -2, 3x / 2, 3x / 2 बराबर 5y / 3 -2, दिस इज 3x / 2 बराबर, ये एलसीएम इज 3, सो दिस इज 5y, 1, 3, 2, 3, 6, 3x / 2 बराबर 5y, 3, 1, 3, ठीक है? सो दिस इज 3x बराबर 10y -12/3, सो x बराबर 10y -12/9, 3x / 2 बराबर 5y / 3 -2, 3x / 2 बराबर एलसीएम में थीटा आ रहा है 1, 3, 2, 3, 6, और 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 10y - 12/3, तो x बराबर 10y - 12/9, ठीक है? इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं, ठीक है? और इसका एलसीएम पहले निकाल सकते हो, अगर 3, 2, 6, दिस इज 2x + 3y बराबर 13/6, ये 6 कट गया, दिस इज 2x + 3y बराबर 13। अब सब्स्टिट्यूटिंग, उतना लिखने का जरूरत नहीं है, द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन ए, इसमें तो 2 × x के जगह पर जो बोला 10y - 12/9 + 3y = 13, एलसीएम इज 20y, एलसीएम इज 20y - 24 + 27y = 39 जा होता है 117, 13 × 9 = 117 हो गया, दिस इज 47y बराबर 117 में 24 जोड़े 141 हो गया, ये 3 बार में कट गया, देयरफॉर y कम्स आउट टू बी 3, y की वैल्यू जो है वो 3 हो गई, और
एक्स बराबर जो था 10, वाई के जगह पर 3 माइनस 12 बाई 9, तो एक्स बराबर हो गया 30 में से 12 के 18 बाई 9, एक्स की वैल्यू हो गई 2, तो एक्स की वैल्यू इज 2 एंड वाई की वैल्यू इज 3। दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में रख करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक वेरिएबल में लाने का ट्राई करना है दो वेरिएबल्स, ठीक है। दिस मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का हम लोग को जरूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में इतना ही रहेगा। हम लोग दूसरा मेथड अभी के अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जो सेकेंड मेथड इज आवर एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड जो मेथड है दैट इज आवर एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड वाला जो मेथड है उसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है व्हाट वी नीड टू डू इज एलिमिनेट, ठीक है। क्या करना है, एलिमिनेट करना है हम लोगों को। एलिमिनेट तो अंग्रेजी का वर्ड है, एलिमिनेट का मतलब आपको मालूम है कि किसी एक वेरिएबल को हम लोग सीधा सीधी जो है वो एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। कैसे करना है तो देखेंगे, छोटे क्लास में तो वैसे शायद ये सीखा था हमने। तो यहाँ पर देखो x के बगल में 10 है, x के बगल में 6 है, मेरे को x को ही एलिमिनेट कर देना है, x को एलिमिनेट कर देना है। तो x के बगल में 10, x के बगल में 6 है, अगर एलसीएम निकालते हैं तो 10 और 6 का सबसे पहला 30 आएगा, 30। तो इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 लाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये इक्वेशन बन गया, बन गया, दिस बिकम्स 30x प्लस 9y बराबर 225, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, समझ ना, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इस पूरे इक्वेशन को 5 से, उसको 5 से किए, सो दिस कम्स 30x माइनस 25y, दिस इज 55। अब दोनों वेरिएबल कोफिशिएंट सेम हो गया, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देंगे, इक्वेशन 3 इसको लिखना भी पड़ता है, माइनस इक्वेशन 4, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, तो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ये कट गया, 9y में 25y जोड़ेंगे, दिस इज 34y, और 225 में से 155 घुसाएंगे तो 170, तो y बराबर 170 बाई 34, दिस y कम्स 5, ये y की वैल्यू जो है वो 5 हो गई, ठीक है, ये y की वैल्यू जो है वो 5 हो गई। तो किसको एलिमिनेट किया था, x को एलिमिनेट किया था। अगर y को एलिमिनेट करना होता, अगर y को एलिमिनेट करना होता इसी क्वेश्चन में, अगर y को एलिमिनेट करना होता, ये लिखी होना, इसको लिख लो और फिर एलिमिनेट आगे देखते हैं। अब मान लो कि y को एलिमिनेट करना, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 3 है, इधर 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से, अब बताओ कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50x 15y 75, 375, ये अब का इसका इक्वेशन नंबर ए हो गया। 3 से मल्टीप्लाई मारे 18x माइनस 15y बराबर 33, ये इक्वेशन नंबर बी हो गया। अब देखो ये 15y और ये माइनस 15y है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी, दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो 50 में 18 जोड़े तो 68x आ गया, 15 में माइनस 15 ऐड किया तो कट गया, 375 में 33 जोड़े तो ये 408 आ गया, तो ये 6 बार में शायद कट जाता है, 68 जाता है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5। दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड, दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन। इसमें एलिमिनेट ही कर देते हैं, ऐसा कुछ करें कि एक वेरिएबल सीधा सीधी एलिमिनेट ही हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ करें कि एक वेरिएबल सीधा सीधी एलिमिनेट ही हो जाए। पहले वाले को ठीक से किया तो x एलिमिनेट हो गया, दूसरे मेथड में ठीक से किया तो हमारा y एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, 11x प्लस 5y बराबर माइनस 23, 7x माइनस 2y बराबर 20, खुद से बताओ, x के बगल में 11, x के बगल में 7 है, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे को 11 7 77, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो बताओ कितना हो गया, 7 से मल्टीप्लाई करने पर दिस बिकम 77x 35y 23, 7 का 161 होता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको 11 से किया था, so this is 77x minus 22y बराबर 220, this is equation number 4, 77x आ गया, दोनों को minus कर देते हैं, equation 3 minus equation 4, दोनों को minus किया तो ये कट गया, 35 minus minus plus this is 57y minus 161, 220 is minus
61 है, दिस इज 381 के टेबल में यार कितने बार कटता है ये, कुछ गलत तो नहीं होगा कैलकुलेशन? एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिखा गया, वेरी सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिखा गया, बस इससे भी आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, बट ठीक है अभी जो बुक पे क्वेश्चन है बुक वाला ही क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 15y दिया हुआ है, 11x प्लस 15y, क्वेश्चन को सुधार लो, 15y दिया हुआ है, उससे भी जो आ रहा था सही आंसर आ रहा था, बट बुक पे 15y दिया हुआ है, क्वेश्चन 15y कर लो, 15y कर लो, 15y कर लो। अब बताओ रूल तो यही है, अभी भी 7 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 11 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, दिस बिकम्स 77x। तो जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। हाँ भाई 7 से किया है 77x, तो 3 से मिला कितना होता है 105y, 23 7 का 161 ही होता है, और इसको 11 से किया, 77x माइनस 22y बराबर 220। दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, सो दिस गेट्स कैंसिल्ड, दिस गेट्स 127y एंड दिस बिकम्स, माइनस किया दिस माइनस 381, सो दिस y इज माइनस 381 बाय 127, ये तीन बार में कट जाता है, सो दिस इज y बराबर माइनस 3, y बराबर माइनस 3। अब अभी पिछले क्वेश्चन में दोनों को एलिमिनेट किए, तो दोनों को एलिमिनेट किए तो ऐसा तो जरूरी नहीं है, मान लो एक ही को एलिमिनेट किए दूसरे को एलिमिनेट नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, एक आ गया तो जरूरी नहीं है दूसरे को एलिमिनेट करना, जरूरी नहीं है कि दोनों वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करें, एक हो गया दूसरे को बस पुट कर दो, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, दोनों को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं, इक्वेशन 2 का 7x माइनस 2 इनटू y के ऊपर पता चल गया माइनस 3 बराबर 20, दिस इज 7x प्लस 6 बराबर 20, 7x बराबर 14, इससे x बराबर 14 बाय 7, देयरफॉर x बराबर 2, तो x बराबर 2, y बराबर माइनस 3, दोनों वेरिएबल को एलिमिनेट करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको मन है तो कर सकते हैं, तो एक को भी अगर एलिमिनेट कर दिया दूसरे पर पुट करने पर अगर आपको लगे कि आंसर जल्दी आ रहा है, एक को एलिमिनेट कर दिया दूसरे पर पुट करके लगे कि जल्दी आ रहा है, तो उसी मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे, दोनों को अलग से एलिमिनेट करने का झमेला नहीं करने का। चलो भाई इस तरह का क्वेश्चन देखो, 2x प्लस 3y बराबर 13, 5x माइनस 4y बराबर माइनस 2, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 और y इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि x की पावर माइनस 1 आ जा रही है, y की पावर माइनस 1 आ जा रही है, तो डायरेक्ट अगर देखेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं, इसको बनाना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसा क्वेश्चन जब आपको दिख जाए, तो 1x की वैल्यू u पुट कर देंगे, 1 by y की वैल्यू v पुट कर देंगे, तो ये हो जाता हमारा 2u प्लस 3v बराबर 13, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसमें भी पुट किया तो ये हो गया भैया 5u माइनस 4v बराबर माइनस 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, 1 by x को u, 1 by y को v पुट कर दिया, आप देखो 2 है 5 है, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, है ना, 2 5 10 5 2 10, तो दिस इज 10u प्लस 15b बराबर 13 5 65, फिर 10u माइनस 8b बराबर माइनस 4, 10u माइनस 8b बराबर माइनस 4, अब दोनों इक्वेशन को 10u हो गया, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4, माइनस करके कट जाएगा ये प्लस हो जाना था, 15b में 8b, दिस इज 23b, 65 माइनस माइनस दिस इज प्लस 69, सो बी कम्स आउट टू बी 69 by 23, so this becomes 3, तो v की वैल्यू जो है वो 3 हो गई, है ना, बट v तो क्वेश्चन में नहीं था, v के जगह पर 1 by y पुट कर देंगे, v तो था ही नहीं, 1 by y बराबर 3, इसका मतलब है कि y की वैल्यू जो हो रही है वो 1 by 3 हो जा रही है, v 3 है, v तो था ही नहीं, 1 by y बराबर 3, तो y की वैल्यू 1 by 3, अब जहां पे क्वेश्चन था, अब आपका मर्जी है, आप कहीं पर भी पुट कर लो, therefore equation a becomes, मान लो कहीं पर भी पुट कर दिए, equation a में ही पुट कर दिए, equation a में ही पुट कर दिए, कितना हो गया, ये था 2x प्लस 3y, तो ये इंटू 3 हो गया, नहीं 3 बाई वाई, वाई वैल्यू 1 बाई 3,
बराबर 13, सो दिस इज 2 बाई एक्स बराबर 4, है ना, तो देयरफॉर एक्स कम्स आउट टू बी 1/2, इसको पुट कर दिए, एक्स की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू 1/3, ऐसा जब क्वेश्चन है तो थोड़ा सा समझदारी से एनालाइज करके क्वेश्चन को आगे अप्रोच करना। चलो भाई इसको अप्रोच करो, 15/x - y + 22/x + y = 5, 40/x - y + 55/x + y = 13, इसको अप्रोच करते कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, इसको अप्रोच करने के लिए 1/x - y को u मान लेते हैं, 1/x + y को हम लोग इस बार v मान लेते हैं, 1/x - y को u, 1/x + y को v, ये क्वेश्चन कितना बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा 15u प्लस 22v बराबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ये बन जाएगा 40u प्लस 55v बराबर दिस इज 13। अब क्या करें 15 40 से बताओ क्या करें, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से, अब बताओ कितना हो गया 120u प्लस 22v 176v बराबर 40, इक्वेशन नंबर 3, और फिर दिस इज 120u प्लस 55 किया 165v बराबर 39, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दोनों इक्वेशन को माइनस मार देते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 दिस गेट्स कैंसिल्ड, और ये 11v दिस इज 1, सो दिस इज v बराबर 1/11, ठीक है, v की वैल्यू अभी निकल गई, अब v की वैल्यू पुट करते गए पर v की वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अब थोड़ा ध्यान से बनाना होगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये था इक्वेशन 1, तो दिस इज 15u प्लस 22 इनटू v के जगह पर 1/11 बराबर 5, ये दो बार में कट गया, ये दो बार में कट गया, तो 15u प्लस 2 बराबर 5, 15u बराबर 3, u बराबर 1/5, तो u और v का वैल्यू निकल गया, बट u और v नहीं निकाला था, u और v नहीं निकालना था, u भी तक तो आ गया, अभी x y भी निकालेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आएगा, पहले यहाँ तक लिख लो, फिर आगे देखते हैं यहाँ पर पूरा व्यू बन रहा है कि नहीं, आई विल ट्राई कि हो जाए, इसी में बोर्ड में बिना बिटाए हुए इस व्यू में ही आ जाए तो ही मजा आ जाए। तो अब आगे अगर अप्रोच करते हैं, इसी क्वेश्चन को, यू वी तक तो आ गए, अब यू वॉज नॉट इन द क्वेश्चन, यू तो था ही नहीं, यू तो तुम पुट किए थे, देयरफॉर 1/x - y बराबर 1/5 हो गया, तो ये x - y = 5 हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर ए हो गया, x - y = 5 और x - y = 5, उसी तरह से बी तो था ही नहीं, यहाँ पर पुट किए थे 1/x + y को भी पुट किए थे 1/11, तो उसे x + y = 11, दिस इज आवर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देते हैं, इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो एक्स में जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, -y + y कट जाएगा, 5 में 11 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, इससे एक्स की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी, और एक्स का वैल्यू 8 कहीं पर भी पुट कर दो, x + 8 + y = 11 है, तो इसका y = 11 - 8 जो है वो 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3, और y की वैल्यू 3, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से, x की वैल्यू 8 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई, x 8 एंड y 3। चल भाई इस क्वेश्चन को अप्रोच कर, कैसे अप्रोच करेगा, तुम बता कैसे अप्रोच करेगा, 1/2x + 3y को u मान लेंगे और 1/3x - 2y को v मान लेंगे, ठीक है, छोड़ो ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये पूरे को u, तो दिस इज u/2 + 12v/7 = 1/2, ये पूरे का, अरे समझ में, तो इसमें भी थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, 2 × 7 = 14, दिस इज 7u + 24v, 7 × 12, दिस इज 1/2, ये 7 बार में कट जाता है, तो दिस इज 7u + 24v = 7, दिस इज आवर एक्चुअली में इक्वेशन नंबर 1, 7u + 24v = हो रहा है हमारा 7, उसी तरह से
इस इक्वेशन का क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को देखते हो, इस पूरे का तो u पुट कर दिए थे, तो दिस इज 7 इनटू u प्लस 4 इनटू v बराबर 2, दिस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, 7u है, तो थोड़ा मजा है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को माइनस कर दो, 7u से 7u कट गया, 24v में से 4v गया, तो 24v में से 4u गया, तो दिस कम्स आउट टू बी 20v, और 7 में से 2 गया, तो दिस कम्स आउट टू बी 5, तो इससे v की वैल्यू हो गई 1/4, v की वैल्यू हो गई 1/4, अब v की वैल्यू 1/4 कहीं भी पुट कर दो, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, दिस इज 7u प्लस 4 इनटू 1/4 बराबर 2, This is 7u बराबर 1, इससे u की वैल्यू हो गई 1/7, तो u और v, बट u और v नहीं निकालता, u और v नहीं निकालना था, u के जगह पर जो था उसको पुट करेंगे, 1/2x प्लस 3y बराबर, u के जगह पर 1/7, तो इससे आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 7, this is our equation number A, और b वाला पुट कर देते हैं 1/3x माइनस 2y बराबर b आया 1/4, इससे आ गया 3x माइनस 2y बराबर 4, बात नहीं बना x के बगल में 2, x के बगल में 3, बात नहीं बना, तो 3 से मल्टीप्लाई और इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, तो अब क्या बनाते हैं, बात 3 से मल्टीप्लाई करने पर दिस विल बी 6x प्लस 9y बराबर 21, 6x प्लस 9y बराबर 21, इसका नाम अब इक्वेशन नंबर C, इसको 2 से किया तो 6x माइनस 4y बराबर 8, इस इक्वेशन नंबर D, अब कुछ बात बनेगा, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, C माइनस D, तो ये दोनों कट जाएगा, 9y माइनस माइनस 13y, 21 से 8 गया, दिस कम्स आउट टू बी y बराबर 1, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 1, therefore equation A becomes, equation A ये वाला था, this is 2x plus 3 into y बराबर 7, this is 2x बराबर 4, this is x बराबर 2, तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये बोर्ड में लगातार आता हुआ क्वेश्चन है, सेपरेट का x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई, आज के क्लास स्टार्ट हो गया, आज के क्लास में अपन सीखे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको कहते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो उसको सॉल्व करेंगे, चार मेथड में, पहला सब्स्टिट्यूशन में तो बस सब्स्टिट्यूट करते हैं, दूसरा एलिमिनेशन शुरू हो गया है, अभी एक दो क्लास में हम लोग एलिमिनेशन का ही और भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, यहीं तक रहेगा वीडियो, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके रखो, दोस्तों को शेयर कर दो, जिन लोगों को जरूरत है, क्लास नहीं चल पा रहा शेयर कर दो, और जो लोग पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर, ट्राई करेंगे कि पेमेंट आपका होते रहे, क्योंकि अभी क्लास जो है वो ऑनलाइन ही कुछ दिन और चलेगा, मतलब ऑनलाइन तो चलेगा ही, ऑफलाइन शुरू होने में टाइम है, ऑनलाइन तो भी चलेगा ही, ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, चलो थैंक यू।